अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी? तो जैसा कि आप लोगों ने अब तक एंथम तो सुन लिया होगा आईसीसी का, क्या क्या कहने भाई, कि मतलब क्या कहूँगा उस गाने के बारे में। मेरे तो कान पक गए हैं। लिटरली लिटरली उससे कई गुना बेहतर हमारा पीएसएल का एंथम, ये जो लास्ट है, जो मुझे मैं पसंद भी नहीं आया होगा, वो अच्छा लगने शुरू हो गया मुझे। क्रिटिसाइज नहीं है, लेकिन यकीन मानो को बहुत ही कोई बकवास तुम कम वर्ड है, लेकिन भाई आईसीसी के लिए ऐसे नहीं था। ये वो ततड़ 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 जो गाना था, वो वाली फील आने शुरू होगी। वो आईसीसी से ज़्यादा उसकी वो वाली फील आने शुरू होगी। चलो कोई आईपीएल वाली सेंस होती तो समझ में भी आता है कि आईपीएल के लिहाज से गाना हो, ये उस टोन के लिहाज से, लेकिन ये तो ततड़ 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 जो गाना था, तो आपको भी पता है कि आप लोगों ने अब तक तो सुन चुके होंगे आईसीसी का जो भी एंथम आया। मतलब कि उसकी कोई लॉजिक कह दो कि है ही नहीं। कि मतलब वो एक बच्चा जो शुरू में मतलब ट्रेन में आगे बैठता है, जिसको इंटरेस्ट भी नहीं होता, उसको आगे रणबीर सिंह सॉरी पूछता है कि क्या नाम है, मतलब वो उससे पूछता है कि क्या नाम है, क्या इंटरेस्ट के लिए मुझे क्या करना होगा, मतलब कि ओडिया के लिए है। तो वो कहता है बस, फिर उसके बाद जो होता है तड़ता तड़ता वाला डांस शुरू हो जाता है, गाना शुरू हो जाता है, वो हॉर्न लेके बोलने शुरू हो जाते हैं। तो ऊपर हमारे प्रीतम जो है ऊपर गिटार बजा के गाना गा रहे होते हैं, तो रणवीर सिंह हमारे कहते हैं कि भाई तू अकेला क्यों इधर खड़ा हो ऊपर ट्रेन पे, तो वो भी उसके साथ शुरू हो जाता है गाना। उसके अंदर हमारे यूट्यूबर भी तीन चार आपको नज़र आ जाएंगे, अगर अब तक आपने उसकी वीडियो के साथ अगर आपने गाना देखा होगा तो। गेमर भी उसके अंदर, स्काउट ओपी जो है वो भी उसके अंदर आपको मिलेगा। इस तरीके से दो तीन और बंदे हैं आपके यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे दो तीन उसमें आपको वो मिल जाएंगे। एक फीमेल है, उसका मुझे नाम नहीं पता, वो भी यूट्यूबर भी है और मतलब कि इसी के से डिजिटल क्रिएटर है, वो भी उसमें मिल जाएगी। मतलब कोई कोई ख़ास फील नहीं है कि आईसीसी के लिहाज से ना, एक जैसे कि एक प्रॉपर एक सॉन्ग होना चाहिए, एंथम होना चाहिए, नहीं ज़रा फील नहीं। और वो जो बच्चा जिसको ज़रा इंटरेस्ट भी नहीं था, वो पूरे गाने में बस वो पहले सीन के बाद वो पूरे गाने में ऐसे इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है, मतलब उसी टाइम पे कि जैसे कि क्या नाम है, उससे बड़ा कोई क्रिकेट सपोर्टर है नहीं, मोमिन से भी, मोमिन साकिब जो है उससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा उसको, इस तरह का इंटरेस्ट बन जाता है। मतलब थोड़ी 5 मिनट के गाने में 30 दूसरे मिनट के बाद से उसको इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है। मतलब कोई मतलब इलॉजिकल सी वीडियो थोड़ी सी बना दी है, और थोड़ा सा पाकिस्तानी थीम भी थोड़ा कम दिखा दिया, पता नहीं आई डोंट नो क्यों किया, लेकिन पाकिस्तान के एक जगह पर छोटा फ्लैग दिखा दिया और एक जगह पर बस क्या नाम है वो जब सारे फ्लैग्स दिखा रहे होते हैं तो वहाँ पे एक फ्लैग शो हुआ है, मगर कोई इतना ख़ास उन्होंने हमारे मतलब पाकिस्तान के फ्लैग को शो नहीं किया। तो ठीक है, उधर हो रहा है, अपने लिहाज से उन्होंने करना था उन्होंने कर लिया, जैसे भी करना था, क्या कह सकते हैं इस बारे में। लेकिन जो एंथम है ना, यकीन मानो मुझे तो पसंद नहीं है भाई, ज़रा पसंद नहीं है आईसीसी के लिहाज से ना। और दूसरा ये है कि उसमें पहले वो आराम से पहले डांस डांस सारा कुछ हो जाता है, फिर उसके बाद रणवीर सिंह रैप शुरू हो जाते हैं, रैप के बाद वो सारी कुर्सियाँ उठा के क्रिकेट खेलने लग जाते हैं, क्रिकेट खेलने के बाद वो बॉल बैट चली जाती है, तो वो एम्पायर का से देखते हैं कि जैसे कि एम्पायर क्या नाम आप क्या करेगा, मतलब आप कमॉन, मतलब गली क्रिकेट खेल रहे हो ना कि कह सकते हो ट्रेन में, तो उसे क्या, वो उसके वेट करते कि वो अभी क्या करेगी, आप देखे क्या करेगा। तो वो वैसे बिल्डर सा हमारा एम्पायर खड़ा होता है, ऐसे सिक्स का इशारा कर देता है, तो वहाँ पे दोबारा हमारा ततड़ 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 शुरू हो जाता है डांस। तो ये थोड़ा सा एंथम है, आप भी दोबारा अगर किसी ने नहीं देखा था एक दफ़ा देख के, जरा आप एक फ़नी माहौल सा मिल जाएगा, आप दिन का शुरुआत या अख्ताम बड़ा ही कोई बकवास तरीके से हो जाएगा अगर आपने अभी तक नहीं सुना, तो आप ज़रूर एक दफ़ा, मैं तो रिकमेंड करूँगा एक दफ़ा ज़रूर देखें आप लोग। बाकी ये है कि इससे बेहतर बनाया जा सकता था, तो कोई मसला नहीं, बनाया जिस की जैसे रहे, बाद लोगों को पसंद भी आया होगा, बड़ी वहाँ को पसंद आया होगा, इंडिया की वहाँ को स्पेशली पसंद आया ही होगा, क्योंकि वहाँ के में हो रहा है वर्ल्ड कप, तो वहाँ के लोगों को तो ऑब्वियसली पसंद आएगा। रणवीर सिंह भी है तो मेन रीज़न ये है, और वो ततड़ ततड़ वाली फील है इसे, ये रीज़न भी है। बाकी अब देखते हैं कि क्या नाम है, वर्ल्ड कप भी बस शुरू होने वाली है, मुंह पे ही है वर्ल्ड कप, तो बाकी आप ही लोग जो राय एंथम से रिलेटेड मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।